हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर, रोबेट कंपनी की है। फ्रंट लुक्स कुछ ऐसा है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स है इस मॉडल्स में और कितनी इसकी स्पीड है और कितनी इसकी प्राइस है, बैटरी पावर क्या है, मोटर पावर क्या है। तो गाइस, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है इसका, राइट साइड प्रोफाइल जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये यमहा की फसिनो टाइप से है, फसिनो टाइप मॉडल आती थी उस टाइप से है ये। यहाँ पे आपको रेम लिखा हुआ मिल जाएगा पीछे में और आगे पीछे डबल डिस्क मिल जाएंगे। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है। और गाइस, रियर की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है। पीछे से इसमें आपको मिल जाएंगे बैकलाइट, छह प्रकार से इसमें बनाया गया है, इंडिकेटर और बैकलाइट जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें कैरियर मिल जाएंगे, हैंडल कैरियर और रियर ग्रिप जो एक बाइक की तरह स्प्लेंडर की तरह काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। जैसे ही आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे रेम लिखा हुआ लोगो मिल जाएगा कंपनी का, ब्रांडिंग, और नीचे में इसमें मेन स्टैंड मिलेगा। इसकी सबसे खासियत वाली बात यह है गाइस, इसमें सस्पेंशन, इलेक्ट्रिक स्कूटर में सस्पेंशन सबसे बेस्ट इस मॉडल्स में है। और पीछे में आपको शॉकर दोनों साइड मिल जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट कॉस्टन, और डबल डिस्क ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। 2000 वाट की मोटर मिलेगी और 72 वोल्ट की बैटरी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। 3 mm की डिस्प्लेट इसमें अवेलेबल है। डिस्क कैलिपर मिलेंगे डिस्क में और रियर ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और तो गाइस, कुछ ऐसा है इसका फीचर्स। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेड इंडिकेटर मिल जाएंगे लेफ्ट एंड राइट में, और यहाँ पे हेडलाइट में एलईडी लाइट मिल जाएगा। फ्रंट में क्रोम यूज़ किया गया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग लोगो मिल जाएगी, रोबोट लिखा हुआ, और नीचे में फेंडर डुअल डिस्क, आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क मिल जाएंगे इसमें। और शॉकर, हाई पावर वाली शॉकर है जो बाइक में यूज़ किया जाता है वो मिलेगा। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, यहाँ पे क्रोम यूज़ किया गया है साइड से जो ये यूज़ किया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही ऊपर के आएंगे तो हेडलाइट पे भी क्रोम यूज़ किया गया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो फ्रंट लुक्स कुछ ऐसा है। तो गाइस, इस साइड की प्रोफाइल कुछ ऐसा है। इसी कलर की बात करूँ तो ये नेवी ब्लू कलर है। और हम यहाँ पे मीटर की बात करेंगे तो मीटर ऐसा कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें क्रोम यूज़ किया गया है, साइड क्रोम जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टील क्रोम। नीचे की ओर आएंगे जैसे ही तो इसमें थैला यूज करने के लिए छोटा यूज कर सकते हैं, 2.5 kg का उसके लिए दिया है। इस टाइप से कुछ इसका की मिलेगा आपको, यहाँ से सीट ओपन करने के लिए मिल जाएगी जो हम स्कूटी में नॉर्मल में करते हैं। इसका बूट स्पेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी, यहाँ पे MCV है, डायरेक्ट ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो गाइस, कुछ ऐसा है। तो गाइस, इंडिकेटर कुछ इस तरह का, इस तरीके से चलता जलता है। और फ्रंट की बात करूँ तो कुछ ऐसा इंडिकेटर मिलेगा, हेडलाइट जलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है साइड इंडिकेटर, साइड भी इंडिकेटर मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो मीटर के कुछ ऐसे सिस्टम मिलेंगे। यहाँ पे पार्किंग मोड में है तो पार्किंग इंडिकेटर फॉरवे जल रहा है तो दोनों साइड इंडिकेटर शो कर रहा है। पार्किंग हटाने के लिए यहाँ पे पी है, पार्किंग को हम पुश करेंगे तो पार्किंग हट जाएगी, बट साइड स्टैंड पे रहेगी तो पार्किंग नहीं हटेगा। साइड स्टैंड में इसकी सेंसर यूज़ किया गया है, हम साइड स्टैंड से हटाएंगे तो ही हटेगा। साइड स्टैंड से हमने हटा दिया तो आ गया, यहाँ पार्किंग बटन यूज़ करेंगे तो हट जाएगी। तो गाइस, कुछ ऐसा है इसका। और इसकी सीट की बात करूँ तो सीट स्पेस भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और यामाहा की फसिनो स्कूटर किस तरह लुक दिया गया है। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।